मंगलवार से निगम भिलाई के नियमित कर्मचारियों ने अपने 2 माह के वेतन नहीं मिलने के कारण काला फीता लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, जिसे देखते हुए निगम आयुक्त ने कर्मचारियों को वेतन जल्द हो जाने का आश्वासन दिया है, जिससे कर्मचारियों ने हड़ताल आगामी दिनों तक टाल दिया है। एक तरफ निगम भिलाई के सफाई कर्मियों ने अपना वेतन नहीं मिलने पर अपना आक्रोश जताते हुए निगम मुख्यालय के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन कर काम बंद हड़ताल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ निगम के नियमित कर्मचारियों ने भी 7 फरवरी से अपने 2 महीने के बकाया वेतन न मिलने की वजह से काला फीता लगाकर काम करते हुए अपना आक्रोश जताया था और चेतावनी दी थी कि अगर वेतन नहीं मिलता तो काम बंद कर दिया जाएगा। इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम कर्मचारियों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका वेतन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और साथ ही कुछ विशेष पैकेज भी वेतन में शामिल किया जाएगा, जिसे देखते हुए निगम भिलाई के नियमित कर्मचारियों ने फिलहाल आगामी रणनीति के तहत सामूहिक अवकाश पर जाने एवं हड़ताल करने के निर्णय को टाल दिया है। यदि निगम आयुक्त द्वारा कही गई तिथि पर वेतन नहीं मिलता तो आगे की रणनीति यथावत चलेगी और सामूहिक अवकाश पर जाकर नियमित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जाएगा। बिल्कुल सही पूछा आपने। 3 दिन नहीं, 4 दिनों तक लगातार सोम मंगलवार को 7 तारीख को बुधवार 8 गुरुवार 9 और शुक्रवार को 10, 4 दिनों तक हमारा जो है काली पट्टी लगा करके, क्योंकि 2 महीने से वेतन नहीं मिला नगर निगम के कर्मचारियों को दिसंबर का और जनवरी का, तो हम लोगों ने काली पट्टी लगा के काम किया। उसके सैटरडे संडे आज और कल छुट्टी है, मंडे को एक दिन का हम पूरा कलेक्शन करते हैं सीएल को, और 14 और 15 मंगल और बुधवार को काली पट्टी लगा के पूरे अधिकारी कर्मचारी हम लोग निगम गेट के सामने बैठते। लेकिन माननीय आयुक्त महोदय ने कल हम लोगों संघ से चर्चा की, उन्होंने एक विशेष आर्थिक पैकेज के लिए सचिव नगरी प्रशासन से बात की है और 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा, 1 सप्ताह का, शुक्रवार तक का, ये शुक्रवार 17 तारीख तक का टाइम मांगा है फरवरी में, कि हम पूरी आप लोग को जो है जितनी आप लोग की देयता है नगर निगम के कर्मचारियों की वो हम दे देंगे। तो इस उनके आश्वासन के बाद, चूँकि आयुक्त हमारे IAS हैं, उनके आश्वासन के बाद में हम लोगों ने एक सभा बुला के कल शाम को अपना उनके सम्मान में और उनके कथनों के अनुसार जो है मोबाइल पे बात हुई थी और हम लोगों ने अपना जो है आंदोलन को अभी स्थगित किया है, उसको ख़त्म नहीं किया, स्थगित किया है और हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभी। नहीं, पूरा इसके पहले भी उन्होंने जब जब भी आश्वासन किया, पैसा मिला है, भले हफ्ते भर लेट हुआ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारे तमाम जो है लीडर्स जो हैं कर्मचारी कांग्रेस के, जो प्रांत के लीडर हैं, हमारे नगर निगम का पूरे अधिकारियों का और हमारे कर्मचारी दल है, जो संघ है, संघ द्वय है हमारे, हम उनके पदाधिकारी भी पूरी व्यवस्था में लगे हैं, वहाँ पे बात चल रही है मंत्री लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे, और उन्हें पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया रायपुर में, और नई कंपनी ने भी काम चालू कर दिया, जो टैक्सेशन के लिए जो नई कंपनी को आवंटित हुआ है नगर निगम भिलाई का काम वसूली का, तो कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा है 17 तारीख तक उम्मीद है मिल जाएगा, नहीं तो हमारा अधिकार तो हमारे पास है, जब भी हम चाहें आंदोलन की राह अपना सकते हैं। फिलहाल नगर पालिक निगम भिलाई में टैक्स वसूली के लिए नई कंपनी ने कार्यभार संभाल लिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि टैक्स वसूली में कसा बटाएगी और इस वसूली के पैसे से नियमित कर्मचारियों का वेतन किया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।